हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रमित कौशिक ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। एंड अब तक की मेरी सारी वीडियो आप लोग देख चुके होंगे, और अगर नहीं देखी तो जाके जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मेरा चैनल जो है प्रमित कौशिक ब्लॉग के नाम से है, जहाँ पर मैं अपने बेबी के साथ अपने वीडियोज़ शेयर करती हूँ। तो जाइए जल्दी से देखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बात करते हैं आज के टॉपिक की, और वो आप लोग समझ गए होंगे मेरा थंबनेल देख के ही कि मेरा आज का टॉपिक क्या होने वाला है। यानी आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि शॉपिंग करना सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ। आई होप आप लोगों को भी पसंद होगी। जो जिसको पसंद है कॉमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमें शॉपिंग करना पसंद है। मोस्टली लेडीज़ को शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, मुझे भी है। तो मैं प्रमित के लिए बहुत सारी शॉपिंग करती रहती हूँ। लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया था एंड दिखाया भी था कि मैंने प्रमित के लिए क्या क्या शॉपिंग की है। प्रमित का बर्थडे था, उसके लिए मैंने शॉपिंग की थी। अब भी मैंने प्रमित की, रेनी सीजन चल रहा है, थोड़ा ठंडा मौसम होता जा रहा है, अभी उसके पास फुल स्लीव्स नहीं थे, तो मैंने उसके लिए फुल स्लीव्स की कुछ टी शर्ट परचेज़ की हैं। तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, क्योंकि जो भी चीज़ मैं करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सोचा ये भी शेयर करूं, शायद आपको भी अच्छी लगे तो आप भी शॉपिंग करो वहां से। तो अब की बार मैंने जो शॉपिंग की है वो मैंने फर्स्ट क्राई से की है। तो फर्स्ट क्राई का जो प्रोडक्ट है ना, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। उसकी जो क्वालिटी होती है, प्रोडक्ट क्वालिटी, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मुझे लगती है, क्योंकि उसका ना कपड़ा स्ट्रेच भी नहीं होता है एंड कलर फेड भी नहीं होता। तो मैं मोस्टली शॉपिंग अपनी फर्स्ट क्राई से करती हूँ, शॉप से बहुत ज़्यादा बहुत कम करती हूँ, अपने लिए कर लेती हूँ एंड मेरे हस्बैंड वगैरह कर लेते हैं। बट प्रमित के लिए जो मैं प्रेफर करती हूँ वो फर्स्ट क्राई ही करती हूँ, क्योंकि फर्स्ट क्राई का कपड़ा काफ़ी अच्छा लगता है। उसमें भी ब्रांड है बेबी हग, जो मुझे आज तक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो उसकी कुछ टी शर्ट्स मैंने मंगाई हैं, वो मैं आपको दिखा दूँ देती हूँ। तो ये मैंने, ये देखिए, ये ब्लू कलर में मैंने मंगाई है, अभी प्रमुख ने यूज़ भी नहीं किया, तो अभी टैग यहाँ पे लगा हुआ है। और इसका ये देखिए ब्रांड उल्टा दिखाई दे रहा होगा, बेबी हग, तो बेबी हग का ब्रांड है। और ये देखिए कलर काफ़ी अच्छा है, कपड़ा काफ़ी स्मूथ रहता है, इसीलिए मैं मोस्टली मंगाती हूँ। फुल स्लीव्स में ये है, क्योंकि थोड़ा सा मौसम चेंज होता जा रहा है। ये देखिए फुल स्लीव्स, ये ब्लू कलर में, तो अभी यूज़ नहीं किया इसलिए टैग अभी निकाला ही नहीं है, पहले आप लोगों को दिखाना ज़रूरी समझा मैंने, तो आप लोगों को दिखा देती हूँ। एंड हाँ, एक चीज़ और जो मैंने लास्ट ब्लॉग में आपसे बोला था कि एक सरप्राइज़ है, तो आई होप वैसे आपने शॉर्ट्स में देख लिया होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ ब्लॉग्स देखते हैं मेरे, तो उनको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, जो मैंने बोला था कि एक जो क्लॉथ है वो मैंने आप लोगों को दिखाए नहीं थे, वो सरप्राइज़ था। तो वो सरप्राइज़ इसलिए था क्योंकि मैंने जो शॉपिंग की थी वो प्रमित के बर्थडे के लिए की थी, और वही कपड़े, ये देखिए, ये इसके अंदर की टी शर्ट, फन डेज इस पे लिखा हुआ है, एंड ये डांगी। तो ये वैसे तो आप लोग देख चुके होंगे शॉर्ट्स में, ये देखिए, तो ये प्रमित पे काफी अच्छे लग रहे थे ये कपड़े जो हैं, पहन के प्रमित काफी अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इसीलिए सरप्राइज था कि आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। तो अभी मैंने दिखा दिया है आप लोगों को, एंड प्लस बाकी की टी शर्ट्स भी मैं आपको दिखा देती हूँ। एंड ये देखिए, ये टी शर्ट, ये भी काफ़ी अच्छी है, कलर भी काफ़ी लाइट है, एंड ये जो प्रिंट है ना इसका, ये काफ़ी अच्छा रहता है, ये कभी निकलता नहीं है। तो एक प्रमित ने और भी काफ़ी टी शर्ट पहनी है बेबी हग की, और उनका प्रिंट भी अभी तक नहीं निकला है। तो ये देखिए फुल स्लीव्स, और भी काफ़ी टी शर्ट हैं, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिए, स्किप मत कीजिए बिल्कुल भी।
एंड ये देखिए, ये थोड़ा वाइट थोड़ा ग्रे का कॉम्बिनेशन है, वाइट एंड ग्रे का, ये देखिए। एंड इस पे जो लिखा हुआ है न्यूयॉर्क 82 प्लेयर स्टेट इन प्रॉस्पेरिटी ऑफ स्पोर्ट डेप्ट। तो लाइट कलर तो वैसे बहुत अच्छे लगते हैं, चलाते नहीं है बच्चे, लेकिन हाँ लाइट कलर बच्चों पे बहुत अच्छे लगते हैं फुल स्लीव्स में। एंड सेम ब्रांड बेबी हग। हाँ अगर इसका प्राइस पूछना चाहते हैं तो प्राइस भी काफ़ी रीजनेबल है। अगर जाना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि कितने प्राइस में मैंने ये परचेज की है। एंड नेक्स्ट ग्रीन, ये कलर पे था भी नहीं तो इसलिए ये मैंने मंगाया है। ये देखिए इस पे लिखा हुआ है स्लैम डंक, ये देखिए। ग्रीन और भी कलर हैं, अभी देखते जाइए। सेम ब्रांड बेबी हग। एंड नेक्स्ट टी शर्ट, ये भी थोड़ा ऑरेंज थोड़ा रेडिश कलर में है, समझ नहीं आ रहा रेड है ऑरेंज है, तो थोड़ा ऑरेंज ही है वैसे तो, थोड़ा डार्क है। और इस पर लिखा है टीम 10, तो देखते हैं प्रमित को पहना के दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। ये देखिए फुल स्लीव्स में। एंड ये प्रमित हो चुका है 2 ईयर का, तो मैंने 2 से साइज 2 to 3 ईयर्स की एज का मंगाया है, क्योंकि बच्चे बढ़ रहे होते हैं तो जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं, पता नहीं चलता कब बड़े हो जाते हैं। पर मैं 2 ईयर्स का हो चुका और मुझे पता भी नहीं चला आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करते करते कि इतना टाइम हो गया। एंड 2 ईयर का उसका बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो गया, आई होप आप लोगों ने वीडियो देखी होगी उसके बर्थडे की। तो ये सारी टी शर्ट आपको कैसी लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए कपड़ा ना इतना स्मूथ और इतना अच्छा है ना, और स्पेस मैं दिखा देती हूँ आपको कि देखिए इतने से स्पेस में आ जाता है, तो काफी अच्छा लगता है। और इसकी पैकिंग रहती है इस तरह से, तो कैसी लगी, कौन सा कलर आपको ज्यादा अच्छा लगा? वैसे तो बच्चों को लाइट कलर बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, व्हाइट वगैरह, बट परमिट के लिए इस बार मैंने सारे अलग कलर मंगाए हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर में डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन के साथ। तो परमिट को पहना के भी दिखाऊंगी आपको अगर हो सकता है, क्योंकि वो बैठता तो है नहीं है चुपचाप से कि चुपचाप बैठ जाए तो मैं उसे दिखा दूं आप लोगों को, लेकिन अगर हो सका तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को पूरी उसे पहना के। वैसे थोड़ा सा लूज़ है क्योंकि अभी परमिट की थोड़ी हेल्थ थोड़ा सा हेल्थ में कम है, वो थोड़े से लूज है अभी, सिर्फ मैंने उसे यही वाली टी शर्ट पहनाई थी जंगल सफारी वाली, तो ये तो काफ़ी उसके ऊपर अच्छी लग रही थी। और भी दिखाऊंगी हो सका तो। और हाँ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आगे भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाइए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग मेरी वीडियोस पसंद कर रहे हैं। क्योंकि देखिए एक अच्छा तब लगता है जब आप लोग पसंद करते हैं, तो मन करता है कि हाँ आप लोगों के लिए और भी अच्छी से अच्छी वीडियो लाई जाएँ। तो वैसे तो आप लोग पसंद करें और आगे भी करते रहिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।